हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त हनी। गाइस, आज है तारीख 27। आज है 27 तारीख और अभी टाइम हो रहा है लगभग 7 के करीब। अभी जो मैंने आपको दिखाया था, बगल वाले दरअसल पूजा कर रहे होंगे तो उनके घर में आवाज़ आ रही थी शंख की और वो बेल बजा रहे थे, तो मैंने शंख रिकॉर्ड नहीं कर पाया लेकिन बेल वाली रिकॉर्ड कर ली थी इसलिए डाली थी मैंने। तो गाइज, अभी हस्बैंड गए हुए पेशेंट देखने, उनको दो पेशेंट देखने थे शाम को, तो गए थे लगभग 5 बजे। अभी तक तो आए नहीं, आने वाले हैं। और गाइज, आज मैं बनाऊंगी डिनर में डोसा एंड मतलब मसाला डोसा और चटनी तो बना के रख दी है मैंने। गाइज, ये बेटू ने बनाया आज। इनको ये आजकल ऑनलाइन एक्टिविटीज़ करने के लिए मिल रही हैं, तो डेली कभी कुछ बनाने को बोलते हैं तो आज ये बनाने के लिए बोला था, लेडी बर्ड। तो यहाँ पे रखा हुआ है उन्होंने ताकि सब देख सकें। और गाइज, मैंने अभी बाल अपने इसलिए अभी मतलब कोम नहीं किए हैं, बाल इसलिए खोल रखे हैं। मैंने सोचा ब्लॉग शुरू करती हूँ क्योंकि आज पूरा दिन मैं बहुत बिजी थी। क्यों बिजी थी वो मैं आपको फिर कभी बता दूंगी। आज मैं मेन बात एक करना चाहती हूँ क्योंकि मेरा वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता है और मुझे डिनर की भी तैयारी करनी है, हस्बैंड आने वाले होंगे। तो फिर सबसे पहले हमको करनी है बात, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं उनका मुझे नाम लेना है क्योंकि उनको मुझसे शिकायत थी कि आप मेरा नाम नहीं लेते हो कभी भी। तो मैंने उनसे बोला था कि आप दरअसल, क्योंकि कई बार क्या होता है, आईडी हस्बैंड की होती है और बात वाइफ करती हैं, तो मुझे वो नाम याद बना रहता है और वाइफ का नाम याद नहीं रहता है। तो मैंने उनको ये चीज़ बोली कि एक बार आप मुझे दोबारा से नाम अपना बता दो सो दैट मैं बोल सकूँ। तो उन्होंने मुझे बताया अपना नाम, तो मैं बात कर रही हूँ। उनका नाम है सुमन। दरअसल वो हरिजीत कुमार सिंह के नाम से वो मुझसे अभी तक उनकी बातचीत चलती है, तो मुझे कुछ इसलिए याद में भी नहीं रहता होगा। तो उनका नाम दरअसल सुमन है। तो लीजिए सुमन जी, मैंने आपका नाम ले लिया, अब आपको मुझसे शिकायत शायद नहीं होगी। तो मैंने याद से इनफैक्ट ये बात आज की क्योंकि कल ही मैंने उनको ये चीज़ बोली थी कि ठीक है अगले ही व्लॉग में मैं आपका नाम लूँगी। और बाई चांस आज मैंने पूरा दिन बहुत काम किया है, जैसे आप लोग जानते हैं मैं आगरा जाने वाली हूँ, तो छोटा मोटा कुछ ना कुछ अपना करती रहती हूँ पैक थोड़ा बहुत, ताकि क्या है ना मुझ पर लास्ट में एकदम से बर्डन नहीं पड़े किसी चीज़ का, तो मैं छोटा मोटा करती रहती हूँ। तो आज भी मैं पूरा टाइम बिजी थी, तो मैंने कहा चलिए पहले सुमन जी का नाम ले लिया जाए, उसके बाद अपना व्लॉग शुरू किया जाए। और गाइज, एक चीज़ और मुझे आप लोगों से बात करनी है। कल जब मैंने वीडियो अपलोड किया था मेरी विद्या दी वाला, उनका बर्थडे था कल के, तो काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं क्या दी, ये कौन, ये आपके कितने बहन भाई हैं, आप कितने रियल बहन भाई हो, कोई पूछ रहा है ये आपकी दी रियल हैं या ये कौन सी दीदी हैं आपकी ऐसे करके, या ये कज़न है या क्या पूछ रहे हैं मुझसे काफ़ी। तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना मुश्किल हो रहा है थोड़ा, और सच बताऊँ तो उन वो मेरी रियल दी नहीं है करके वो चीज़ मुझे लिखने में भी अच्छी नहीं लग रही, तो आप खुद सोचिए मेरे को वो चीज़ सोचने में कितनी गंदी लग रही होगी। तो मैं आप चलो आपको बता ही देती हूँ क्योंकि अब जो फैक्ट है वो तो है ही। दरअसल मेरा जो भाई है वो मतलब 11 साल हो गए उसको जॉब करते हुए। तो जब उसने जॉब ज्वाइन किया था कंपनी, तो वहाँ पे मतलब वो विद्या दी उसके ऑफिस में उसके मॉड्यूलेटर थी वो। तो वहाँ दो मतलब दीदी की सनी से मुलाकात हुई थी वहाँ ऑफिस में। तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे दीदी को भाई से पता नहीं थोड़ा अटैचमेंट हुआ होगा फर्स्ट डे से ही, मे बी वो बहुत साइलेंट रहने वाला लड़का है या बहुत शांत है या जो भी, तो दीदी को उससे अटैचमेंट थी बहुत सीधा है करके। फिर ऐसे करके उनको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गई सनी से, और सनी को दीदी से हो गई क्योंकि वो लड़कियों से बात वैसे भी करने में थोड़ा शर्माता था उस समय। तो बस वो ऑफिस में दीदी से ही बात करता था और किसी से बात नहीं करता था, ज़्यादा कंफर्टेबल होकर और किसी से बात नहीं कर पाता, दीदी से ही बात करता था। धीरे धीरे करके और ज़्यादा मतलब बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई उनकी इस तरीके से। फिर वो दीदी उनको मतलब हर साल उसको राखी बांधने लगी दीदी भैया को, और वो भी रेगुलर उनसे राखी बंधवाने घर तक जाता था उनके इस तरीके से। फिर वो कुछ टाइम के बाद मतलब उस समय मेरी शादी हो चुकी थी तो मैं आगरा में थी उस समय। फिर जब मैं बैंगलोर वापस लौट के आई, बीच बीच में कभी कभी मैं आती थी घूमने के लिए बैंगलोर मम्मी से मिलने, तब मेरे से दीदी मिलने आती थी। तो मेरी मुलाकात दीदी से ऐसे हुई, मिनी की और सन्नी की तो पहले से चल रही थी, मेरे से सिर्फ उनकी व्हाट्सअप पे बात हुई थी, मैं कभी पर्सनली मिली नहीं थी उनसे। फिर जब मैं बैंगलोर आई घूमने के लिए शादी के बाद फर्स्ट टाइम, तब मेरी सन्नी उनको लेके आया था घर पे, तो मैं उनसे मिली और फर्स्ट टाइम में उनको मेरा नेचर, मुझे उनका नेचर बहुत अच्छा लगा। मतलब वो कमाल की इंसान है, इतना मतलब आप लोग मतलब वही बात कि आप लोग कभी अगर हमको साथ देखोगे तो कोई जज नहीं कर सकते कि लड़का रिलेशन नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा वो हमको प्यार करती हैं और हमारे भी प्राण उनमें बसे हुए हैं। तो इसलिए इनफैक्ट अब मैं जा रही हूँ करके मैं थोड़ा अंदर से वो भी मुझे लग रहा है थोड़ा,
मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ क्योंकि क्योंकि उस दिन जब मैं घर गई थी ना उनके, तब भी वो बात करते करते इमोशनल सी हो रही थी, जबकि वो बहुत स्ट्रांग है अंदर से। मैंने इतना सोचा भी नहीं था कि वो इतनी इमोशनल हो रही है। उनको देख देख के मुझे ख़राब लग रहा था, क्योंकि जब वो केक वगैरह भी काट रही थी ना, तो जीजू उनको खिला रहे थे ना, उस समय पता नहीं क्या मेरे दिमाग में क्या चीज़ आ रही थी। अगर वो कोई मेरा व्लॉग देखे ना अगर, तो जिस समय वो केक काट रही हैं और जीजू उनको खिला रहे हैं, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको कुछ लगेगा, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था उस दिन कि बताओ यार ये मेरे से, मतलब दीदी हमेशा, मतलब हर 2 महीने में हमसे मिलने आती रहती थी या फिर हम लोग उनके पास चले जाते थे, अब मैं चली जाऊंगी तो पता नहीं कब मुलाकात होगी या 1 साल में 1 बार हुआ करेगी, ऐसा सोच रही थी उस समय। इसलिए मेरे को, मैंने वो जो मैं एडिट कर रही थी ना, तब मुझे वो चीज़ लगी थी कि इस समय मैं क्या सोच रही थी, इसलिए मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन भी थोड़े वैसे हो रखे हैं। तो दरअसल दी हमारी ब्लड रिलेशन वाली दी नहीं है, लेकिन वो हमारी उनसे भी ज़्यादा है हमारे लिए। तो मैं इसलिए ये डाउट क्लियर कर रही हूँ क्योंकि मुझ कमेंट बॉक्स में मैं इतनी बात कर ही नहीं पाऊँगी, तो मैंने कहा दीदी के बारे में तो बात करना बनता है। विद्या दी क्या है हमारे लिए, और मैंने इनफैक्ट पहले उनको, मैंने पहले तो इनफैक्ट मैं जब भी वीडियो बनाती थी तो मैं उनको हमेशा कज़न सिस्टर ही बोलती थी, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता था कि मैं उनको, अब आप मेरे दिल का फीलिंग नहीं समझ पाओगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। मैं हमेशा ये उनको हमेशा यही बोलती थी वो मेरी कज़न सिस्टर है, ऐसे ही बोलती थी। लेकिन मुद्दा वही है कि दीदी साउथ इंडियन है, हम लोग नॉर्थ इंडियन है, तो ऐसे कज़न कैसे हो सकते हैं, करके किसी के दिमाग में कोई ऐसा डाउट ना है, इसके लिए मैंने कहा थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। लेकिन इतना मैं एक चीज़ बता सकती हूँ कि मतलब उनके जैसा आज तक मैंने इंसान नहीं देखा है। मतलब वो, मैं अगर वो मुझे मेरा ये वीडियो देखें, मेरे को सुने अगर वो, तो मैं उनसे तो बस यही कह सकती हूँ कि आपको छोड़ के जाना मुझे सबसे ज़्यादा गंदा लग रहा है। मम्मी डैडी को जैसे मतलब छोड़ते वक्त मुझे बुरा लगेगा ना, उससे ज़्यादा बुरा मुझे आपको छोड़ते हुए लग रहा है। पता नहीं क्या अंदर से मुझे क्या फील आ रहा है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइज अगर आप लोग का डाउट क्लियर हो गया हो तो आप लोग मुझे दोबारा ये क्वेश्चन मत पूछना, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स में इनफैक्ट लिखती भी हूँ ना तो मुझे ख़राब लगता है कि वो मेरी रियल सिस्टर नहीं है, ऐसा मुझे बहुत गंदा लगता है लिखने में भी। तो प्लीज़ ये क्वेश्चन आप मुझसे मत करना, मैंने इसलिए ये बता दिया आप लोगों को। और सुमन जी की मैंने शिकायत दूर कर दी, सुमन जी मैंने आपका नाम ले लिया, एक बार नहीं सुमन 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 कई बार ले लिया। तो चलिए फिर थोड़ी देर मिलते हैं गाइज, डिनर का हो रहा है टाइम, और आज बेटू ने बहुत डोसा बनाने की डिमांड की है कि मम्मा डोसा नहीं खाया बहुत दिनों से, क्योंकि वो दरअसल उसको हर हफ्ते में 1-2 बार तो डोसा बाहर खाने जाना ही होता है। लेकिन ये आप लोग को पता ही है, अभी वायरस की वजह से हम लोग बैंगलोर में तो लॉकडाउन कम्प्लीटली खुल गया है, लेकिन हम लोग बाहर का नहीं खाते हैं बिकॉज वही जो ये चल रहा है, तो इसमें सेफ नहीं है करके हम बाहर से खाते नहीं है कभी भी। तो बेटू ने कहा मम्मा डोसा नहीं खाया है, दोपहर में भी उसने दाल चावल खाए थे तो कह रहा था कि डोसा तो बनाती नहीं हो, तो मैंने कहा बेटे चिंता मत करो चटनी मैंने बना दी है, डोसा मैं रात में डिनर में बनाऊंगी। वो गाइस अभी वैसे भी 7 बज रहे हैं, 7:30 तक वो आ जाएंगे उन्होंने कहा था, तो मैं ज़रा बाल वाल बना लूँ, क्योंकि मैं दरअसल दोपहर में काम वाम करते करते सो गई, थक गई थी बहुत ज़्यादा, तो सो गई मैं। फिर मैं अभी उठी शाम को 6 बजे, 6 बजे मैंने अपने लिए उठ के चाय बनाई, हस्बैंड तो थे नहीं चले गए थे, तो मैंने इनफैक्ट पूछा भी फ़ोन करके कि आप आओगे बीच में तो चाय बाद में बनाओ, पर उन्होंने कहा नहीं बा मुझे तो आते आते 7:30 हो जाएंगे, तो या तो अभी वो आके चाय पियेंगे या फिर डायरेक्ट खाना ही खाएंगे। चलिए गाइस हम ज़रा दूसरे काम निपटा लेते हैं, थोड़ी देर मिलती हूँ आप लोगों से डायरेक्ट किचन में। गाइस किचन में आ गए हैं डिनर के लिए, मतलब डिनर बनाने के लिए, और टाइम हो रहा है लगभग क्या रेट है, 8 बजे बज गए कि बजने वाले हैं, 5-10 मिनट होगा, तो फिर क्यों इतनी जल्दी किचन में ले आए, क्या हो गया तो बना लेना जल्दी खा लेते, बारिश हो रही है, कब डिनर किया हम लोगों ने, वो तो अभी शुरू करता 9 बजे तक, गाइस बाहर सन्नाटेदार बारिश हो रही है, मस्त बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, हवा चल रही है ठंडी एकदम, मौसम दोपहर में बहुत गर्मी गर्मी लग रही थी, तो ऐसा लग भी रहा था कि बारिश शायद हो सकती, तो हो ही गई, दिखाने से फायदा नहीं है, नजर कुछ नहीं आएगा, नजर नहीं आएगा। तो गाइस आज हवा जा रही होगी इतनी तेज बारिश की, गाइज आज हम डिनर में बनाएंगे मसाला डोसा एंड चटनी। चटनी तो मैंने बना के फ्रिज में रखी हुई है, सुबह ही बना दी थी इनफैक्ट, मूंगफली और मूंगफली चना दाल, वो जो भुना हुआ चना होता है वो, और नारियल की चटनी बना दी, उसमें थोड़ा पुदीना ऐड कर दिया दोस्तों, उससे अलग ही खुशबू आ गई, और मिर्ची डाली है खूब सारी,
मेरी तो फेवरेट है खैर मिर्ची वाली चटनी, बाकी इन लोगों को थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो गाइस अभी हम लोग बनाएंगे डोसा, वो मसाला डोसा चिली बना लेते हैं। हमारी कटिंग चॉपिंग हो गई है, अब रखेंगे अपना ट्राइपॉड उस तरफ सो दैट हम उसमें फोकस कर सकें। भाई ये कट कर दो ना, किसी ने आलू आलू कोई कह सकता है आलू है। अरे यार दरअसल सुबह मैंने आज आलू बॉईल करे थे तो एक बड़ा सा आलू बच गया था, तो मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था, तो वो हार्ड ना हो करके मैं उसको कद्दूकस कर दिया। गाइस बाहर जन्नाटेदार बारिश के साथ कड़ाकेदार बिजली भी कड़क रही है, टमाटर तो छोटे छोटे कटेगा ना। सबसे पहले बनाएंगे हम अपने डोसे का मसाला, तो उसके लिए मैंने सरसों का तेल डाल लिया, लगभग एक चम्मच से थोड़ा कम डाल लिया है, लगभग 3 टेबलस्पून आप समझ लीजिए होगा। गैस कर देते हैं फुल। गैस हमारा ऑयल गर्म हो गया है, डालेंगे इसमें जीरा। भाई कटोरी पता है इसमें कड़ी पत्ता वॉश करना है, कितना कड़ी पत्ता लेना तुझे देख। और लो और कितना और इससे थोड़ा ज्यादा लो। गाइस ये सारी चीजें हम इसमें डालेंगे, कड़ी पत्ता, टमाटो, ग्रीन चिली, कद्दूकस कर लिया जो पोटैटो एक्चुअली में आप लोग तो ऐसे मैश कर सकते हैं, और अदरक ले लिया है और बहुत सारा प्याज ले लिया, लगभग एक बड़ा प्याज काटा है मैंने नहीं मतलब हस्बैंड ने। प्याज तुमने तो चॉप किया है। तो गाइस अब इसको हम डालते हैं अपने प्याज को। मैंने एक चीज देखा, जब अपने घर पे पूरी करो ना वो खुशबू नहीं आती, और तुम किसी और के घर गए हो और वहाँ पे अगर कोई फ्राई कर रहा है तो वो खुशबू तुम्हें आएगी। ये चीज तुम्हारे साथ इसलिए भी हो रही है क्योंकि आगरा में तुम्हारे घर में बनता है सादा खाना। आगरा की बात वेट वेट आगे सुनो, मेरी बात सुनो, सुन, सुन। अभी जैसे यहाँ तुमको मैं रीजन दे रहा हूँ। हाँ, और यहाँ साउथ में बहुत मसाले यूज होते हैं लोगों के घर में, जिन मसालों के बारे में जानकारी तक नहीं होगी हमारे पूर्वजों को भी, वो ठीक है ठीक है, वहाँ यहाँ पे वो मसाले यूज होते। और तुम्हारे सारे पेशेंट लगभग साउथ इंडियन है करेक्ट, तो तुम उनके घर जाते हो तो तुमको एक अलग ही खुशबू आती है, फ्लेवर आता है। आजकल मैं तो सिर्फ रेडीमेड बैटर से ही बनाती हूँ डोसा इडली। एक बार थोड़ा दिनचर्या, एक बार थोड़ा जिंदगी नॉर्मल होगी ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं इडली बैटर भी मैंने कभी बाहर से नहीं मंगवाया, घर पे ही बनाती हूँ, और डोसा बैटर भी। तो ये फ्राई होने देते हैं। डालेंगे इसमें टमाटर एंड यू नो हाउ टू फॉरगेट और कड़ी पत्ता, ऑल द रॉन्ग्स इन एवरी। अब इसमें अपने सारे सूखे मसाले डालेंगे, धनिया पाउडर, टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, चिली पाउडर थोड़ा सा डालेंगे। पानी डाल के इसको कर देंगे कवर। डालेंगे इसमें अपने आलू। Take it slow, we ended up just like before, so
इसको हम रख देते हैं दूसरे गैस पे लो फ्लेम पे, और इधर हम लोग बनाएंगे डोसा ताकि हमारा डिनर जल्दी बन सके। गैस देखिए ये बाहर वाला बैटर भी कितना अच्छा फर्मेंट होता है, इतना अच्छा फर्मेंट तो घर का भी ना हो बैटर जितना अच्छा बाहर से आता है। चलिए बनाते हैं डोसा। और गाइज मैं बेटू के लिए हमेशा घी का ही बनाती हूँ, थोड़ा हेल्दी रहता है उसके लिए, तो एक ही खाता है टोटल वो, तो उसके लिए घी में बना देती हूँ। और हस्बैंड खाते हैं बटर वाला, तो इनके लिए बटर का बनाएंगे। बड़े मज़े से तूने एकदम गोल बनाया। क्यों मज़े के लिए उसमें क्या करना पड़ेगा। कर देते हैं गैस फुल। डालेंगे इस पे घी। फुल पे बन रहा है भाई। और क्या स्टार्टिंग में सिम था फिर फुल है। स्टार्टिंग में बिल्कुल लो फ्लेम पे रहेगा ताकि तवा बहुत गर्म ना हो जाए, फिर फुल कर देंगे। हाँ जैसे इस पर आपका ये बैटर पड़ जाएगा उसको अच्छे से फैला लीजिए, फिर फुल कर दीजिए गैस। अब इसे टर्न करेंगे। मस्त एकदम तेरा बनाया है। धरती पे ऐसी कौन सी चीज है जो मेरी गजब ना बने। ये मेरे को ऐसा लगा मेरा तकिया कलम हो चुका है, हैं? और हर वीडियो में डायलॉग आता है ये वाला। गाइस बेटू का डोसा इज रेडी, डिनर करना है अब हमको। बाहर से ठंडी हवा आ रही है, थोड़ा सीधा करते हैं यहाँ से प्रेस करते हैं, बिकॉज उस तरफ रेड कम है ना, उधर से प्रेस कर लेते हैं। और ये बनेगा भी सॉफ्ट है क्योंकि घी से बना है, सॉफ्ट ही बेटर रहता है क्योंकि बेटू के लिए सॉफ्ट बनाना पड़ता है, वो हार्ड वाला खाता नहीं है, क्रिस्पी वाला नहीं खाता है, के मुंह में कट लग जाते हैं क्रिस्पी वाले से। कहता है मम्मा कैसा बनाती हूँ, सॉफ्ट क्यों नहीं बनाती हूँ। सबसे बड़ी कवर कलरफुल लग रही है, ग्रीन रेड येलो सारे फ्लेवर्स हैं इसमें। फ्लेवर्स तो नहीं है, सिंपल लगती है, सिंपल होती है ना ये वाली सब्जी, तो इसमें मसाले तो पड़ते नहीं कुछ। रख तो ये सब्जी पर बेटू तो नहीं खाएगा मुझे पता है, तो तुम खा लेना वो तो लेना स्पेशल है।